उत्तर प्रदेश के आगरा में 3 दिनों से बिजली सप्लाई बंद है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्रवासियों का कहना है कि बिजली का बिल भी बकाया नहीं है और उनके बच्चे स्कूल पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं, जिससे लेकर क्षेत्रवासियों ने डीएम से मदद की गुहार लगाई है। वहीं डीएम ने उनकी समस्या के जल्द निराकरण का आश्वासन भी दिया है। हमारी लाइट खराब है 3 दिन से, पूरी बस्ती परेशान हो रही है। मोहल्ला डोलिका कोलियाना बस्ती रमजानी मस्जिद। कितने दिन हो चुके हैं? 3 दिन हो गए। अधिकारियों में जा रहा था, टाल पेट्रोल हो रही है, कोई सुनने वाला पैदा नहीं है। हमारे बिल पूरे पेट है। बिजली कौन सी टोरेंट है? टोरेंट की है। लाइट के कारण आए हुए हैं यहाँ पे, हमारी 3 दिन से लाइट नहीं है। कहाँ का मामला है ये? डोलिखाल रमजानी वाली मस्जिद का मामला है। क्या वजह है, क्या लग रहा है, क्यों लाइट नहीं आ रही? लाइट की समस्या ही नहीं है समझ में आ रही है। टोरेंट अधिकारियों को फोन कर रहे हैं तो वो जो कर रहा है आ रहा है 1 घंटे में 2 घंटे में। 3 दिन से यही दिलासा दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आ रहा है।